हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट टेस्टिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में यूनिट टेस्टिंग की हमने देखा था कि यूनिट टेस्टिंग होता क्या है और इम्प्लीमेंट करने के लिए यूनिट टेस्टिंग को दो बेसिक एंटिटीज़ की ज़रूरत होती है, विच इज़ ड्राइवर एंड स्टब। लेकिन हमने कहा था कि ड्राइवर और स्टब कैसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं यूनिट टेस्टिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम इन दोनों एंटिटीज़ के फंक्शन को समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ड्राइवर होता क्या है। अगर कोई भी मॉड्यूल हम टेस्ट कर रहे हैं तो उस मॉड्यूल को कोई और मॉड्यूल जनरली कॉल करता है सबसे पहले, अनलेस एंड अंटिल इट इज़ अ मेन मॉड्यूल। ऑलराइट, सो कोई मॉड्यूल हमारे टेस्ट मॉड्यूल को कॉल करेगा और हमारा जो टेस्ट मॉड्यूल है वो कई बार बाकी दूसरे मॉड्यूल्स को या दूसरे कंपोनेंट्स को कॉल करता है कुछ फंक्शनिंग एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए या कुछ फंक्शनिंग अचीव करने के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट मॉड्यूल कुछ इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस के लिए किसी और मॉड्यूल को कॉल करे और जो रिजल्ट वो दूसरा मॉड्यूल रिटर्न करे वो हमारा टेस्ट मॉड्यूल कहीं ना कहीं अपनी कंप्यूटेशन में यूज़ करे। सो ये सब मॉड्यूल्स जिन्हें टेस्ट मॉड्यूल कॉल करता है और वो मॉड्यूल जो टेस्ट मॉड्यूल को कॉल करता है, इन दोनों की फंक्शनैलिटी हमें रिक्वायर्ड होती है यूनिट टेस्टिंग के टाइम जब हम एक मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने कहा था यूनिट टेस्टिंग में इंडिपेंडेंट और आइसोलेटेड टेस्टिंग होती है एक कंपोनेंट की विदाउट बीइंग रिलेटेड टू एनी अदर कंपोनेंट, तो हम ड्राइवर और स्टब का यूज़ करते हैं। ड्राइवर एक्ट्स एज दैट मॉड्यूल विच विल कॉल आर टेस्ट मॉड्यूल एंड पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स टू द टेस्ट मॉड्यूल सो दैट आर टेस्ट मॉड्यूल कैन फंक्शन प्रॉपरली एंड our test module will return the result, the computed result to the driver and this driver will display the output to the user if it is directly interacting with the user. All right, and stubs are those submodules that are called by the test module to perform certain functionality and to verify that this test module is calling a particular submodule that is actually intended to be called. Yani agar hum chahte hain hamara test module submodule A, B aur C ko call kare, to stub A hame verify karega ki ha test module ne submodule A ko call kara. Aise hi stub B ye verify karega ki टेस्ट मॉड्यूल ने सब प्रोग्राम बी को भी कॉल करा। और ये सारे सब मॉड्यूल्स या ये सारे स्टब्स कुछ रिजल्ट कंप्यूट करके वापस टेस्ट मॉड्यूल को भी रिटर्न कर सकते हैं ताकि टेस्ट मॉड्यूल की फंक्शनिंग ना रुके बाकी मॉड्यूल्स की वजह से। सो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं इन दो चीज़ों की और देखते हैं कि ड्राइवर और स्टब के तीन तीन मेन फंक्शंस क्या होते हैं ड्यूरिंग यूनिट टेस्टिंग। सो अ ड्राइवर इज अ मेन प्रोग्राम। बाय मेन प्रोग्राम हेयर इज what I mean is that it is the module, it is the main module that is calling the test module. It may not coincide with the main that we refer to in C++ or other such languages, but it is the program or the module that accepts the test case data. जैसे यहाँ पे दिख रहा है, driver is accepting some input from the user and it passes the data to the component to be tested, which is our test module, and then prints the relevant result. जब test module इसे result देता है, वो user को output दे देता है, या फिर output pass कर देता है, जो भी इसे result मिला है, वो pass कर देता है, as required by some another module, ठीक है? और स्टब क्या करता है? स्टब बेसिकली एक सबॉर्डिनेट मॉड्यूल होता है जो कि टेस्ट मॉड्यूल के थ्रू कॉल किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड बाय द टेस्ट मॉड्यूल एंड इट प्रोवाइड्स मिनिमल डेटा मैनिपुलेशन। स्टब में हम उतनी ही फंक्शनैलिटी लिखेंगे जितनी मिनिमल रिक्वायरमेंट है हमारी। यानी अगर सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट से ही हमारा काम हो जाएगा या फिर एक सिंगल
कॉम्प्यूटेशन स्टेटमेंट से ही हमारा काम हो जाएगा, तो हम स्टब में सिर्फ उतना लिखेंगे। इससे ज़्यादा अगर रिक्वायर्ड नहीं है, नेसेसरी नहीं है टेस्ट मॉड्यूल की वर्किंग के लिए, तो उससे ज़्यादा स्टब में कोड नहीं लिखा जाता। सो इट प्रोवाइड्स मिनिमल डेटा मैनिपुलेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ द टेस्ट मॉड्यूल्स। देन इट प्रोवाइड्स वेरिफिकेशन ऑफ एंट्री एंड रिटर्न्स द कंट्रोल टू द मॉड्यूल अंडर टेस्टिंग। तो ड्राइवर और स्टब बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूनिट टेस्टिंग के टाइम पे, क्योंकि दे बेसिकली टेल अस हाउ डिफरेंट मॉड्यूल्स आर रिलेटेड एंड समवेयर वी नीड टू यूज़ सम एडिशनल फंक्शनैलिटी अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट मॉड्यूल दैट इज़ बीइंग टेस्टेड। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स इंटीग्रेटेड होते हैं और वो साथ मिलके काम करते हैं, कोई इंडिपेंडेंट काम नहीं करता, इसलिए कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ ईच मॉड्यूल इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट कम्स इज अ टर्म नोन एज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इज बेसिकली द ओवरहेड कोड दैट वी रिक्वायर इन केस ऑफ यूनिट टेस्टिंग। अब ओवरहेड कोड का क्या मतलब हुआ? टेस्ट मॉड्यूल इज द मॉड्यूल दैट वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग वाइल यूनिट टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। लेकिन ड्राइवर और स्टब में जो हमने कोड लिखा है वो हमारा ओवरहेड कोड है, यानी इस कोड की हमें एक्चुअल टेस्टिंग में ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओनली हेल्पिंग द टेस्ट मॉड्यूल टू डिस्प्ले द राइट रिजल्ट्स और टू help the test module perform its functionalities, but actually this is not a code that is affecting the functionality of the test module directly. It is helping the test module, but it is not contributing to the functionality of the test module. And this code of the driver and the stub is an overhead. It is extra, and the amount of the code present in driver and stub, the better it is. क्योंकि हमें कम से कम कोड लिखना चाहिए ड्राइवर और स्टब में, ताकि हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना बढ़े और हमें यूनिट टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा ड्राइवर और स्टब कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कोड हम लिखने लगे तो हमारा काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑल राइट, तो स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू द ओवरहेड कोड। इट कैन रेफर टू द ड्राइवर्स एंड स्टब्स व्हेन वी यूज दीज टू एंटिटीज ड्यूरिंग यूनिट टेस्टिंग, या फिर इट कैन ऑल्सो रेफर टू अ टेस्ट हार्नेस। नाउ व्हाट इज अ टेस्ट हार्नेस? अ टेस्ट हार्नेस इज बेसिकली अन ऑटोमेशन और ऑटोमेटिकली जनरेटेड ओवरहेड कोड दैट हेल्प्स अस टू टेस्ट अ मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली एंड द रेस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम इज टेकन केयर बाय द टेस्ट हार्नेस। सो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिख देती हूँ। टेस्ट हार्नेस इज बेसिकली ओके, सो इट इज यूज्ड to automatically generate scaffolding या overhead code and it allows us to test our module in an isolated environment, जो कि हम unit testing में चाहते हैं, by simulating the rest of the software functionalities. And this is done by taking care of all kinds of input, outputs, parameters, etc. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ? टेस्ट हार्नेस बेसिकली हमें जो भी टेस्ट मॉड्यूल टेस्ट करना है उसे आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट करना
की टेस्ट करना अलाउ करता है और बाकी जो फंक्शनैलिटी जो अभी हम ड्राइवर और स्टब की मदद से जनरेट कर रहे हैं वो टेस्ट हार्डनेस ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है या जनरेट कर देता है, ताकि टेस्ट मॉड्यूल के अलावा हमें कोई और एक्स्ट्रा कोड ना लिखना पड़े, कोई ओवरहेड कोड ना लिखना पड़े टू कम्प्लीटली यूनिट टेस्ट द सिस्टम. सो दिस इज स्कैफोल्डिंग. स्कैफोल्डिंग और कुछ नहीं होता, इट इज़ अ ओवरहेड कोड. ड्राइवर और स्टब दो एंटिटीज हैं जो कि यूनिट टेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ड्राइवर इज द मॉड्यूल दैट कॉल्स द टेस्ट मॉड्यूल, ये याद रखना. और स्टब इज द मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड बाय द टेस्ट मॉड्यूल. ऑल राइट. सो आज के इस लेक्चर में हमारा यही फोकस था, ड्राइवर और स्टब समझना. आई होप यू गेट अन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स और यूनिट टेस्टिंग एक्चुअली इम्प्लीमेंट इन दोनों से कैसे होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. स्टे ट्यून टू ईजी इंजीनियरिंग क्लासेस फॉर मोर लेक्चर्स ऑन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स. थैंक यू.